हमारा डर कब दूर होगा? जब हमने अपना प्रिपरेशन पूरा किया है। आप सभी ने बहुत देर से यहाँ मोदी जी की बातें सुन रहे थे, है ना? तो कोई एक वचन बता दो मुझे, क्या क्या सुना है? एक वचन बता दो कोई भी। मैं सिर्फ यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं आई हूँ, मुझे भी इंस्पिरेशन लेना है भाई, मोटिवेट होना है आप लोगों से। तो एक दो बातें मुझे भी बता दो जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ। हाँ यस, करने के लिए सोचना चाहिए तो बनना तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। यस एकदम परफेक्ट। और क्या, और कोई आप बोल सकते हो? करण भी बोल सकते हो? यानी एक ही चीज को ध्यान से कर सुना है। देखो होता क्या है कि हम लोग किसी चीज को लेकर के बैठते हैं, हम तभी है जो हमारे हमारा वो रेडी नहीं होता है ना। और आप जिससे भी जितना ज्यादा डरोगे वही सामने हर समय आगे खड़ा होता रहेगा। जैसे कि एग्जाम है, एग्जाम के लिए डरते रहोगे पढ़ोगे नहीं तो वो बन। लेकिन आप पढ़ोगे सुबह पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, अपना एक रूटीन बना लिया कि पढ़ना है मुझे, एग्जाम है तो सिर्फ पढ़ना है तो वो ऑटोमेटिकली डर चला जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ लिया, प्रिपरेशन ले लिया, अब मुझे तो सब पता है, कुछ भी आ जाए, अब कोई भी क्वेश्चन दे दे ना, हाँ मैं रेडी हूँ, तो डर है ही नहीं। तो सिर्फ यही करना है हमको, अभी अपना जो टाइम है एग्जाम का टाइम, कुछ ही समय है, ऐसा नहीं कि होल टाइम आपको पढ़ते रहना है, महीना दो महीना डेढ़ महीना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपना पूरा फोकस पढ़ने में लगाओ और एक मंत्र ले लो कि इस मोमेंट में मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जैसे ही ये माइंड में आया कि इस मोमेंट में मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तुरंत माइंड कहाँ जाएगा हमारा, कहाँ जाएगा? एग्जाम आगे पढ़ना है ना, अरे इंग्लिश का एक चैप्टर बाकी है, तुरंत माइंड में आ जाएगा। तो हर समय ये सोचते रहो कि इस मोमेंट में मेरे लिए क्या जरूरी है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसी पे ज्यादा फोकस करो। तो अभी तो आप लोगों के लिए एक ही चीज है, एग्जाम आ गई तो पढ़ना है, पढ़ो, ठीक है ना? घर में भी जब आप लोग नहीं पढ़ते हो तो मम्मी से पापा से भी सबसे में ये सुनने को मिलता रहता है कि पढ़ते रहो, तो आप लोग को सुनने में भी पूरा लगता होगा, लगता है कि नहीं लगता है? मुझे तो बहुत बुरा लगता था भाई, सब समय सुनना पड़ता था, पढ़ो। जब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो बोलना भी छोड़ दिया सबने, घर वाले भी देखेंगे हाँ पढ़ रहे हैं भाई, अपना टाइम पे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो मुझे बोलना ही क्यों है ना।